अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स होप यू आर ऑल फाइन इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कसड कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन और आप जान गए कॉस्ट क्या होता है फिर हमने इसके कुछ इन द फॉर्म ऑफ रियल कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मनी कॉस्ट डिस्कस की है चलिए आज हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन में आगे और क्या क्या हमने कर करना देखिए जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है बेसिकली इसके तीन वेरिएंट्स होते हैं अगर हम कहें मनी कास्ट के तीन हैं। वी हैव द टोटल कास्ट वी हैव द एवरेज कास्ट एंड द मार्जिनल कास्ट देखिए जो टोटल कास्ट होता है अ प्रोड्यूसर एज ए प्रोड्यूसर आर ए फ इनकर सर्टन एक्सपेंसिस In creating utility or producing goods and services. And what a firm spends on a given quantity of commodity is the total cost. Or we can say the total money cost incurred in producing a given quantity of production. Its money cost or sum of all expenses incurred in producing a given volume of output. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए अगर हमने पाँच सौ एक्सरसाइज बुक्स फाइव हंड्रेड एक्सरसाइज बुक्स प्रोड्यूस करनी है अगर हमारा इस पे एक्सपेंडिचर रुपीज़ टू थाउजेंड होता है इट इज दिस टू थाउजेंड विच इज़ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइव हंड्रेड एक्सरसाइज बुक्स इट्स द टोटल अमाउंट इट्स द सम ऑफ ऑल एक्सपेंसिस इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गिवन क्वाटिटी वट वाज अवर गिवन क्वान्टिटी फाइव हंड्रेड एग्जरसाइज बुक्स एंड वट वाज द टोटल कास्ट इट वॉज रुपीज़ टू थाउजेंड इसे हम टोटल कास्ट कहते राइट अब देखिए जो हमारा टोटल कास्ट है इसके दो कम्पोनेंट्स है वी हैव द फिक्सड कास्ट एंड द वेरेबल कास्ट हम यूं भी लिख सकते हैं जो हमारा टोटल कास्ट होता है इट्स इक्वल टू टोटल फिक्सड कास्ट एंड टोटल वेरिएबल कास्ट चलिए पहले देखते हैं हम फिक्स्ड कास्ट क्या होता है इसे हम सप्लीमेंट्री कास्ट भी कहते हैं देखिए अगर हम शार्ट पीरियड की बात करें शॉर्ट पीरियड में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं कुछ फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं और कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं शॉर्ट पीरियड में जो कॉस्ट इन फिक्स्ड फैक्टर्स का होता है जो कॉस्ट ऑफ दिस फिक्स्ड फैक्टर्स होता है इट इज फिक्स्ड कॉस्ट। और वी कैन से फिक्स्ड कॉस्ट आर कॉस्ट विच डू नॉट चेंज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दिस डू नॉट चेंज विथ डू नॉट चेंज विथ चेंज इन कॉन्टिटी आउटपुट राइट सो दीज कस्ट डू नाट चेंज विेंज इन द वॉल्यूम आउटपुट वेदर द आउटपुट इज जीरो आर मैक्सम फिक्सड कॉस्टस रेमेन दैम फॉर एक्जाम्पल अगर एक कॉरपेट मैनुफैक्चरिंग फर्म है इट कैन मैन्युफैक्चर सिक्स कॉर्पेट्स अ डे एक कॉर्पेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है ये कारपेट्स बनाती है तो एक दिन में ये कारपेट्स तैयार करती है राइट जो फिक्सड कास्ट ऑफ मेकिंग कॉर्पेट विल रेमेन सेम फिक्सड सेम रहेगा वेदर इट प्रोड्यूस वन और इट प्रोड्यूस टेन लेट एस सपोज दैट इस बिल्डिंग में ये फर्म काम करती है इसकी जो रेंट है दैट इज फिक्सड कास्ट जो बिल्डिंग रेंट है इट इज फिक्सड वेदर इट प्रोड्यूस वन इट प्रोड्यूसिज जीरो आर इट प्रोड्यूसिस टेन कॉरपेट्स दिस fixed cost विल not चेंज आप समझ गए तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो फिक्सड कास्टस होते हैं दीज आर द कास्ट वीच डू नॉट चेंज इन शॉर्ट रन एंड इट इंक्लूड्स एक्सपेंसिज लाइक रेंट वेज ऑफ परमानेंट स्टाफ इंटरेस्ट ऑन फिक्सड कैपिटल लाइसेंस फी ठीक तो इन कास्ट उसको हम फिक्स करके, दिज आर वी डू नॉट चेंज चेंज इन द क्वान्टिटी ऑफ आवर वाट एवर द लेवल ऑफ आउट पर दिज डू नॉट चेंज देखिए एक दुकान वाले ने दुकान किराए पे लिया है और बेकरी बैकर, शॉप है उसको चाहे वो दिन में दस हज़ार की बेकरी प्रोड्यूस करे ही हैज़ टू पे द रेंट पर डे लेट इट बी रुपीज़ हंड्रेड इफ़ ही प्रोड्यूस ज़ीरोज टू पे जो उसके पास वो कारीगर होता है उसको जो सैलरी मिलती है फिक्सड होती है लेटेड भी टेन थाउजेंड पर मंथ चाहे वो दिन में बैठा रहे कुछ काम करे पचास हजार का काम करे लेकिन उसका जो वेज है ये फिक्सड है इट विल नॉट चेंज तो ऐसे कास्ट उसको हम फिक्सड कास्ट कहते हैं वी कैन एक्सप्लेन द फिक्सड कास्ट विद द हेल्प ऑफ ए शेड्यूल देखिए ये हमारी यूनिट्स ऑफ आउटपुट है और ये हमारा फिक्स्ड कास्ट इट्स इन रुपीस देखिए वेदर इट इज़ जीरो फोर फाइव इफ वी प्रोड्यूस ज़ीरो यूनिट्स इज कास्ट इफ़ वी प्रोड्यूस वन अगेन टेन अगेन टेन अगेन टेन अगेन टेन एंड अगेन टेन वैदर यू यूनिट वेदर वी प्रोड्यूस फाइव यूनिट्स आर वी प्रोड्यूस नथिंग नर वी प्रोड्यूस थ्री फिक्सड कास्ट इज सेम राइट right? तो इस टेबल से आपको पता चलता है कि फिक्सड कास्ट वेमेन इज फिक्स इरेस्पेक्टिफ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ आउटपुट वैन आउटपुट इज़ ज़ीरोक्ड कास्ट इज़ टेन वैन आउटपुट इज फाइव फिक्सड कास्ट इज़ अगेन टेन राइट तो अगर हम ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट करना चाहें जो हमारी फिक्सड कास्ट होगी इट विल बी लाइक दिस एक्स एक्स पीज पे हम आउटपुट लेते हैं और वाई एक्सपे हमारा कास्ट है कौन सा कास्ट फिक्सड कास्ट जो आपकी फिक्सड कास्ट कर इट विल बी लाइक दिस ये हमारी फिक्सड कास्ट करो फिक्सड कास्ट करो इसमें यह है चाहे आप एक यूनिट प्रोड्यूस कीजिए योर कास्ट इज़ टेन दो यूनिट प्रोड्यूस कीजिए कास्ट इज टेन फाइव यूनिट्स प्रोड्यूस कीजिए कास्ट इज़ टेन फोर यूनिट्स प्रोड्यूस कीजिए कास्ट इज़ टेन टू जो हमारी करो है इट्स लाइक दिस ये फिक्सड कास्ट करो है राइट right? आप ध्यान से देख लीजिए जो फिक्सड कास्ट करो इट्स पर्ल टू एक्स एक्सीज सिग्नीफाइंग वाट एवर द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और ये करो एक्स एक्सिस को टच करती है एट पॉइंट एफ विच मीनज दैट फिक्सड कास्ट इज टेन इवन वन आउटपुट इज़ जीरो आउटपुट हमारा टेन है लेकिन फिक्सड कास्ट हमारा टेन है इसीलिए टच करती है अब दो चीज़ें आ गई हैं एक फिक्सड कास्ट है दूसरा फैक्टर फिक्सडर्स प्रोडक्शन ये देखिए इंकर्ड बाई द प्रोड्यूसर ऑन द प्रोडक्शन लाइक प्लांट है मशीनरी है ठीक बाई डेफिनेशन अगर हम देखें जो एप्लीकेशन ऑफ दिस फैक्टर्स कैन नॉट बी कैनॉट ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट पीरियड आप जानते हैं इट्स द टाइम पीरियड इन विच नो फैक्टर कैन बी चेंज दियर फॉर फिक्सड कास्टिस आर कॉन्स्टेंट कास्टस ऑफ द शॉर्ट पीरियड ये कॉन्स्टेंट कॉस्ट आफ शॉर्ट पीरियड सिंस फिक्सड फैक्टर्स आर परचेज बिफोर प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट फिक्सड फैक्टर्स को हम परचेज करते हैं प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले सो वी कैन से फिक्सड कॉस्ट आर इनकर्ड इवन वैन आउटपुट इज जीरो एट जीरो आउटपुट दियर आर सर्टन कास्ट दैट्स द फिक्सड कास्ट राइट तो इस तरह से आप जान गए कि फिक्सड कास्ट क्या होता अब इसका दूसरा कंपोनेंट है वेरिएबल कास्ट का नाम से ही पता चलता है ये वो कास्ट होते हैं विच आर इनकूड ऑन वेरेबल फैक्टर्स वेरेबल फैक्टर्स पे जो कास्ट हम एक्सपेंडिचर करते हैं दैट्स वेरेबल कास्ट ठीक जब आउटपुट इंक्रीज होता है तो वेरिएबल कास्ट भी इंक्रीज होते हैं आउटपुट डिक्रीज होगा वेरिएबल कास्ट भी डिक्रीज होगा दीज आर द कास्ट इंक्लूड ऑन रॉ मटेरियल जैसे केजुअल लेबर की वेज या लेबर कहेंगे एक्सपेंसेस ऑन पावर इलेक्ट्रिसिटी वेयर एंड टीयर एक्सपेंसेस वगैरह इन कास्ट को हम वेरिएबल कास्ट्स कहते हैं दीज कास्ट चेंज चेंज इन द लेवल ऑफ आउट ये ज़ीरो भी हो सकते हैं फिक्सड कास्ट में तो यह था कि एट जीरो आउटपुट दियर वेर सम कास्ट लेकिन वेरिएबल कास्टस में वैन आउटपुट इज जीरो वेरिएबल कास्ट विल बी ज़ीरो राइट तो ये भी हम एक शेड्यूल के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं इसी तरह यूनिट्स ऑफ आउटपुट हमारा जो है ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव वन वी प्रोड्यूस नथिंग what will be our variable cost zero suppose we produce one it is 10 we produce two it is 18 we produce three it is 24 28 32 देखिए जब हमारी ज़ीरो प्रोडक्शन थी तो कास्ट हमारा ज़ीरो था एक यूनिट प्रोड्यूस किया तो टेन है दूसरा यूनिट दो यूनिट प्रोड्यूस किए तो एटीन हो गया हमारा वेरिएबल कास्ट ठीक है ना अगर हमें टोटल वेरिएबल कास्ट है तो एक यूनिट कितना दिया हमें नाइन फिर एट ये डिक्रीज होता रहता है उसके लिए रीजनज़ अलग है लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि वेरिएबल कास्ट और दो कास्टस वी चेंज विच आर इंक्लूड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और दीज चेंज चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट अगर हम ग्राफिकली ये वेरिएबल कास्ट दिखाना चाहें तो हमारी जो वेरिएबल कास्ट इट विल बी लाइक दिस अगेन यहाँ से हम आउटपुट लेंगे या हमारा आउटपुट ज़ीरो है कास्ट कितना है ज़ीरो अगेन ठीक और इस एक्सिस पे हम यूनिट्स ऑफ आउटपुट जैसे ऊपर किया ये जो हमारी Variable cost करो इट स्टार्ट्स from जीरो इंडिकेटिंग दैट when there इज नो प्रोडक्शन there विल be नो no variable cost. जब हम कुछ प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं करें हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करेंगे ठीक है ना? तो इस तरह से जो हमारा टोटल cost है इसके दो कम्पोनेंट्स है वी हैव द cost and एंड variable cost. There आर अदर concepts रिलेटेड टू दिस वी विल डिस्कस them इन द नेक्स्ट लेक्चर तो आज के लिए इतना काफ़ी है थैंक यू वेरी मच हैव a नाइस nice डे